हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है और यह आप लोगों का बोकारो स्टील प्लांट के लिए। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं फुल डिटेल और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके कि किस पोस्ट के लिए फॉर्म निकला है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेडी, ठीक है। NSE 146 पद आई है। टोटल पदों की संख्या 146 है, जिसमें UR के लिए 56, SC के लिए 16, ST में यहाँ पर C और B करके दिया गया है। ST C में 35 और B में 10, फिर OBC में मात्र 16, EWS में 13, OH कैटेगरी के लिए 2, HH में C के लिए 2 और B के लिए 1। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए बता दिया गया है कितना वैकेंसी है। फिर आपका EX सर्विसमैन के लिए भी है, तो EX सर्विसमैन के लिए अच्छा खासा वैकेंसी 21 पोस्ट है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और आप लोगों को कितना फॉर्म फी लगेगा भरने के लिए और कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर एज लिमिट सबसे पहले बात कर ली जाए तो अपर एज लिमिट 28 साल होना चाहिए। और ये UR के लिए दिया था, आप लोगों को पता होगा UR के लिए अपर एज लिमिटेड है। और फिर आपको जो SC ST OBC को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पर SC ST को 5 साल का मिलता है और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिर आपका एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन एज टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी EXSmen हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस इन आर्म फोर्स। फिर आगे देख रहे थे हम लोग यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 15 सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन डिग्नाइज्ड ट्रेड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। यहाँ पर स्टील प्लांट में 1 साल का आप लोगों को अप्रेंटिस मांगा जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE इशूड बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जिन्होंने भी अप्रेंटिस किया है स्टील प्लांट में, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि आप लोग का जॉब 100% रखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या खोया जा रहा है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट में होना चाहिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट है यहाँ पर 45 किलोग्राम और फीमेल के लिए 35 किलोग्राम। द मेडिकल स्टैंडर्ड इंडिकेटेड एबो आर मिनिमम रिक्विजिट बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेसेस एबो मेंशन फिजिकल स्टैंडर्ड। हाउएवर अपॉइंटेड टू ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज पर स्टैंडर्ड लेड डाउन अंडर सेल मेडिकल हेल्थ। तो मतलब फ्रेंड्स, अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग फिजिकल स्टैंडर्ड 100% देखें, अच्छी तरीके से देखें। अगर आप लोग इतना फुल फिल कर रहे हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें, वरना फिर आप लोगों को अगर चल ठीक है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, आप लोगों का एग्ज़ाम भी हो गया, आप लोगों का सिलेक्शन भी हो गया, बट जो मेन आता है कि आपको मेडिकल होता है लास्ट में, वहाँ पर आपको छाटा जा सकता है मेडिकल टीम के द्वारा। तो सावधानी जरूर बरतें। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर है कि आप लोग का 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा 90 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखेगा 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन है, जनरल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 नंबर। यानी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्तों, आपका फुल्ली नॉन टेक्निकल है। और इसमें अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो 1.3 यानी 1 सीट पर 3 स्टूडेंट को लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। यानी अगर 146 सीट है तो आप लोग 3 गुना कर सकते हैं, कितना हो गया, आप लोग 3 गुना कर लीजिए तो आपको 438, तो 438 स्टूडेंट यानी 3 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और आप लोग का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग को मान के चलिए अगर आप लोग को सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग को 2 साल का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फॉलोड बाई 1 ईयर प्रोबेशन। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड दे शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन S1 ग्रेड एट मिनिमम बेसिक पे S1 ग्रेड। समझ रहे आप दोस्तों। और आप लोग को फॉर्म फी लगने वाला है कितना, 200 रुपया जनरल OBC एंड EWS के लिए।
एंड प्रोसेसिंग फी ऑफ 100 शैल बी पेएबल बाय ऑल द कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर कैटेगरी। मतलब 100 रुपया फॉर्म, 100 रुपया सभी को लगने वाला है प्रोसेसिंग फी, और फिर जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 200 रुपये लगेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब तक लास्ट डेट है। तो आज से ही फॉर्म स्टार्ट होगा, 25 अगस्त से ही फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा भरने के लिए, और 15 सितंबर तक आप इस फॉर्म को लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अभी टेंटेटिव डेट नहीं बताया गया है कब एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि आप लोग को हर अपडेट तुरंत मिलता रहे। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।